नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। पूजनीय अय्या जी को त्रिवार वंदन। समस्त उपासक उपासिकाओं को सप्रेम नमो बुद्धाय। आज मैं सुषमा वाघमारे आप सभी को बोधिपक्षिया धम्म फाउंडेशन के इस धम्म सत्र से जुड़ने हेतु अभिनंदन करती हूँ और अय्या जी की अनुमति से आज का सत्र याचना से आरंभ करती हूँ। साधु साधु साधु। मैं उपासिका रश्मि कामले जी से आग्रह करती हूँ कि वे यहाँ उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं की ओर से सील याचना आरंभ करें। क्षमा याचना। ओकास वंदामि अये द्वारते नमया कत्तं सप्पं अपराधं खमतु मे अये। द्वितीयम्पि ओकास वंदामि अये द्वारते नमया कत्तं सप्पं अपराधं खमतु मे अये। तृतीयम्पि ओकास वंदामि अये द्वारते नमया कत्तं सप्पं अपराधं खमतु मे अये। खमामि 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 अभिवादन सिलस नीचं वृद्धा पचायिनो चतारो धमावर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरोग्ये संपत्ति सग संपत्तिमेव च। अथ निपान संपत्ति मिनाति समीचतु। शीलियाचना। ओकास अहम अये तीसरनेन सह पच्छशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देतमे अये। द्वितीयम्पि ओकास अहम अये तीसरनेन सह पच्छशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देतमे अये। तृतीयम्पि ओकास अहम अये तीसरनेन सह पच्छशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देतमे अये। यमहं वदामि तं वदेथ। आम अये नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। अहेतुक चित्त 18। अहेतुक चित्त के प्रकार 3 प्रकार हैं। अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8, अहेतुक क्रिया चित्त 3, अकुशल विपाक चित्त 7। इसका संगायन हम लोग आरंभ करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स उपेक्षा सहगतं चक्खु विज्ञानं असंखारिकं कामवचरम् अकुशलं विपाकचित्तं उपेक्षा सहगतं सोत विज्ञानं असंखारिकं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्त उपेक्षा सहगतं घन विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अकुशल विपाक चित्त उपेक्षा सहगतं जीवा विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अकुशल विपाक चित्तं दुःख सहगतं काय विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अकुशल विपाक चित्तं उपेक्षा सहगतं संपतिचन चित्तं असंखारिकं कामवचरं अकुशल विपाक चित्तं उपेक्षा सहगतं संतीरण चित्तं असंखारिकं कामवचरं अकुशल विपाक चित्त अहेतुका कुशल विपाक चित्त आठ उपेक्षा सहगतं चक्खु विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्त उपेक्षा सहगतं सोत विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं उपेक्षा सहगतं घन विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं उपेक्षा सहगतं जीवा विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं सुख सहगतं काय विज्ञानं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं उपेक्षा सहगतं संपतिचन चित्तं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं उपेक्षा सहगतं संतीरण चित्तं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं सोमनस सहगतं संतीरण चित्तं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका कुशल विपाक चित्तं अहेतुका क्रिया चित्त तीन उपेक्षा सहगतं पञ्चद्वारं वजन चित्तं असंखारिकं कामवचरं अहेतुका क्रिया चित्त उपे
रेखा सहगतं मनोदवान वचन चित्तं असंकारिकं कामवशरम अहेतुका क्रिया चित्तं सो मनस सहगतं हसितुपाद चित्तं असंकारिकं कामवशरम अहेतुका क्रिया चित्तं आज अभी हमने अहेतु का चित्त 18 इनका संगायन किया, जिसे तीन भागों में बांटा गया। अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8, अहेतु का क्रिया चित्त 3। अहेतु का चित्त 18 इनका संगायन करने के पश्चात आज का जो हमारा विषय है अभिधम्म में 10 अकुशल कर्म पथ। अकुशल कर्म पथ के विषय में थोड़ा बहुत आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे, परंतु वे किस अकुशल चित्त के कारण निर्माण होते हैं ये हमने कभी चिंतन न किया होगा। तो आज आपको अकुशल कर्म पथ कौन कौन से अकुशल के द्वारा निर्मित होते हैं ये जानने को मिलेगा। हमने पिछली कक्षाओं में भी तीन प्रकार के अकुशल के बारे में जाना, लोभ, द्वेष और मोह, जिसमें 8 प्रकार का लोभ है, 2 प्रकार का द्वेष और 2 प्रकार का मोह। ये 12 अकुशल चित्त हैं। अब ये 12 अकुशल चित्त मिलकर कुशल कर्म का निर्माण करते हैं। तो आज हम अकुशल कर्म पथ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकुशल कर्म पथ 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार के ऐसे अकुशल कर्म हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। अकुशल कर्म पथ होता क्या है? Our root is created by अकुशल कर्म पथ 10। हम जब मनुष्य भूमि में जन्म लेते हैं तो मनुष्य भूमि में जो हमारा रूप निर्माण होता है, जब भी कोई मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है तो जो रूप निर्माण होता है ये रूप कुछ अकुशल कर्म पथ की वजह से ही निर्माण होता है। अर्थात पूर्व में जो भी हमने अकुशल कर्म किए होंगे उसकी वजह से ज्यादातर हमारे इस शरीर का निर्माण होता है। कुछ कुशल कर्म भी होते हैं परंतु ज्यादातर अकुशल कर्म होते हैं। मेनली इट इज क्रिएटेड बाय लोभ चित्ता 8 एंड द्वेष चित्ता 2 एंड कवर्ड बाय मोह चित्ता 2। मुख्य रूप से जो हमारा शरीर निर्माण हुआ है, हमारा शरीर लोभ चित्त 8 और द्वेष चित्त 2 इनके कारण निर्माण होता है, जिसे मोह घेर लेता है। हमने 3 प्रकार के अकुशल के बारे में पढ़ा, लोभ, द्वेष और मोह। इनमें से जो हमारा रूप निर्माण होता है ये मुख्य रूप से लोभ और द्वेष के कारण निर्माण होता है, परंतु मोह इसे चारों तरफ से घेर लेता है, एक कवर बना देता है, जिसकी वजह से लोभ और द्वेष सीमित अंदर ही बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं और वो कभी भी नष्ट नहीं हो पाते। लोभ, द्वेष और मोह से ढका हुआ हमारा ये रूप, मनुष्य का ये रूप, इसमें काया दुचरित, वची दुचरित और मनोदुचरित है। अर्थात काया का दुश्चरित्र, वचन का दुश्चरित्र और मन का दुश्चरित्र, ये 3 प्रकार के दुश्चरित्र हमारे शरीर में निर्माण होते हैं लोभ, द्वेष और मोह की वजह से। परंतु इसके कारण जो ये रूप हमें मिला, इससे हम क्या कर सकते हैं
जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, पुण्य क्रिया वथु टेन। पुण्य कर्म हम कर सकते हैं यदि हमें काया वचन और मन दुष्चरित्र मिला है तो हम इससे पुण्य कर्म करने का प्रयास करें। पुण्य कर्म करके हम क्या कर सकते हैं? To make this kushala kama patha ten or sucharita, we must perform punya kriya vatu ten। हमने जैसा कि ऊपर पढ़ा कि ये अकुशल कर्म पथ है। इस अकुशल कर्म पथ को कुशल कर्म पथ बनाने के लिए इस काया दुचरित, वचन के दुचरित और मन के दुचरित्र को काया सुचरित्र, वचन सुचरित्र और मन सुचरित्र बनाने के लिए हमें पुण्य क्रिया वतु 10 करना होगा। पुण्य क्रिया वतु के विषय में मैं पहले एक क्लास ले चुकी हूँ जो कि हमारे अभिधम्म के सत्र से बाहर थी, परंतु इसके लिए हम एक और क्लास लेंगे कि 10 प्रकार के पुण्य कौन से हैं जिससे हम अपने काया के, वचन के और मन के दुष्चरित्र को काया, वचन और मन के सुचरित्र में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें 10 प्रकार के पुण्य करने होंगे। पुण्य करने के पश्चात आता है कुशल कर्म पथ। यदि हम पुण्य करते हैं तो ये हमारा कुशल बन जाता है। After performing पुण्य क्रिया वतु 10, it becomes काया सुचरित, वची सुचरित एंड मनो सुचरित। पुण्य क्रिया वतु 10 यानी कि 10 पुण्य कर्म करने के पश्चात हमारा काया सुचरित्र हो जाता है, वचन भी सुचरित हो जाता है और मन भी सुचरित हो जाता है। अब ये अकुशल कर्म पथ 10 हमने पढ़े, तो वास्तव में ये 10 कौन से हैं? They are caused by लोभा, दोषा एंड मोहा। लोभ, द्वेष और मोह के कारण ये अकुशल कर्म निर्माण होते हैं। कौन से अकुशल कर्म? काया कर्म 3 यानी काया के 3 कर्म, वची कर्म 4 और मनो कर्म 3। काया के 3 कर्म, वचन के 4 कर्म और मन के 3 कर्म। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 कर्म है और ये 10 कर्म अकुशल कर्म लोभ, द्वेष और मोह के कारण निर्माण होते हैं। काया में सबसे पहला है पाणातिपाता। जैसा कि हम शील भी ग्रहण करते हैं, पाणातिपाता अर्थात जीव हिंसा, प्राणी हिंसा। अदिन्नादाना अर्थात चोरी। कामे सुमिच्छाचार अर्थात व्याभिचार। वची कर्म 4 अर्थात 4 वचन के कर्म, वर्बल एक्शन। जैसा कि हम पंचशील ग्रहण करते हैं तो पंचशील में केवल हम वचन का एक ही शील लेते हैं, मुसावादा अर्थात झूठ बोलना। परंतु झूठ बोलने के अलावा भी वचन के बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसे हम दिन प्रतिदिन में बोलते हैं और वचन दुष्चरित्र का निर्माण करते हैं, जिसमें दूसरा है पिसुन्नवादा अर्थात चुगली करना, बुराई करना, किसी भी व्यक्ति की निंदा करना या चुगली करना। तीसरा परुस्वादा। परुस्वादा का अर्थ है कड़े शब्द बोलना या फिर गाली देना या किसी के मन को ठेस पहुंचने वाले शब्द बोलना। चौथा है संपफलापा।
चौथा है हमारा संभ फलापा अर्थात व्यर्थ की अज्ञानता की बातें करना। वचन के ये चार कर्म हैं जो दुष्चरित्र हैं, अकुशल कर्म हैं जो लोभ द्वेष मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला मूसा वादा अर्थात झूठ बोलना, दूसरा पिसुनवाचा अर्थात चुगली या निंदा करना, तीसरा परुसवाचा अर्थात कड़े शब्द या गाली देना, चौथा संपवलापा अर्थात व्यर्थ की अज्ञानता की बेकार की बातें करना। इसके पश्चात मन के तीन कर्म हैं, थ्री मेंटल एक्शंस। पहला है अभिज्ञा। अभिज्ञा जो है वो वास्तव में लोभ है, लोभ का ही अंग है, लोभ की ही तरह है। तो मन का सबसे पहला कर्म है अभिज्ञा। अभिज्ञा को हम इंग्लिश में कई तरीकों से कह सकते हैं, परंतु जैसे लोलुपता होता है, लालची स्वभाव होता है, किसी भी चीज को देखकर, किसी भी संपत्ति को, किसी भी अच्छी वस्तु को देखकर एकदम लोलुपता वाला व्यवहार दिखाना, एकदम उत्सुक होकर व्यवहार दिखाना, ये अविज्ञा है, लोभ है, ये अविज्ञा से अलग है। अविज्ञा अविद्या होती है, अज्ञानता होती है, ये अभिज्ञा है। दूसरा व्यापाद। व्यापाद दुख शोक। दुख और शोक किसके कारण उत्पन्न होता है? ये केवल और केवल हमारे द्वेष के कारण उत्पन्न होता है। तो व्यापाद का अर्थ है द्वेष। और तीसरा मिच्छादृष्टि। मिच्छादृष्टि अर्थात गलत दृष्टि रखना, और गलत दृष्टि हमारी मोह के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि मोह हमारी अज्ञानता का कारण है। अज्ञानता जब मिटेगी, प्रज्ञा जागेगी, तो हमारी मिच्छा दृष्टि समय दृष्टि में परिवर्तित होने लगेगी। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के अकुशल कर्मों में ये आपको स्मरण रखना है। पहले तीन शील ही हैं हमारे काया से होने वाले तीन कर्म हैं, पाणादिपाता, अधिन्नादाना और कामेषु मिच्छाचारा। वचन से होने वाले चार कर्म हैं मूसावादा, पिसुन्नवाचा, हरुस्वाचा और संपफलापा। झूठ बोलना, चुगली या निंदा करना, कड़े शब्द या गाली देना, या बेकार और व्यर्थ अज्ञानता की बातें करना। मन के तीन कर्म हैं अभिज्ञा, व्यापाद और मिच्छादृष्टि, अर्थात लोभ द्वेष और गलत दृष्टि बनाकर रखना। तो ये 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं, और ये 10 प्रकार के अकुशल कर्म लोभ द्वेष और मोह के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब इनमें से कौन कौन सा कर्म लोभ के कारण उत्पन्न होता है, कौन कौन सा कर्म द्वेष के कारण उत्पन्न होता है, और कौन कौन सा कर्म मोह के कारण उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। इससे पहले हम लोग हेतु के बारे में जानते हैं। हेतु 6 प्रकार का है। हेतु यानी कारण। अकुशल हेतु 3, कुशल हेतु 3। अकुशल हेतु में हमने 3 पढ़ा, लोभ हेतु यानी कि लोभ कारण, द्वेष हेतु और मोह हेतु। कुशल में 3 है, अलोभ हेतु, अद्वेष हेतु और अमोह हेतु। लोभ जो हेतु है वो लोभ चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा था कि चित्त के पश्चात चेतसिक आता है, चित्त के साथ ही चेतसिक कार्य करता है, उसी के साथ उत्पत्ति होती है और उसी के साथ वो भंग हो जाता है। तो लोभ जो हेतु है वो लोभ चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है। द्वेष हेतु द्वेष चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है। मोह हेतु मोह चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से अलोभ हेतु अलोभ चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है,
अद्वेष हेतु अद्वेष चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है और अमोह हेतु पय्या चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि इसमें अमोह नहीं है, क्योंकि अमोह चेतसिक यानी कि मोह को नष्ट करना, तो मोह को नष्ट प्रज्ञा ही कर सकती है, इसलिए अमोह चेतसिक नहीं होता है, केवल पय्या चेतसिक होता है। पय्या का अर्थ है प्रज्ञा बुद्धिमता। तो ये अकुशल हेतु तीन, कुशल हेतु तीन। अभी हम अकुशल हेतु के विषय में पढ़ रहे हैं कि अकुशल हेतु से लोभ हेतु, द्वेष हेतु और मोह हेतु से किस किस अकुशल कर्म का निर्माण होता है। तो अभी हम जानते हैं कि कौन से कर्म लोभ के कारण उत्पन्न होते हैं और कौन से कर्म द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं। अब अकुशल कर्मों को हम अकुशल चित्त के साथ देखना शुरू करेंगे। तो पहला है हमारा पाना, हरुस्वादा और व्यापार आर कॉस्ट बाय दोष मूल्य चित्ता टू लीडिंग बाय दोष हेतु फॉलोड बाय मोह हेतु। अर्थात पाना, पाना यानी कि पानाती पाता, प्राणी हिंसा। दूसरा हरुस्वादा अर्थात कड़े शब्द या गाली देना, और व्यापाद अर्थात किसी से घृणा रखना, बैर रखना। आर कॉस्ट बाय दोष मिल चित्ता टू। हम लोगों ने जो 12 अकुशल चित्त का संगायन किया था उसमें से द्वेष चित्त दो हैं। तो इन्हीं द्वेष चित्त दो के कारण कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, पाणाती पाता करता है, कोई व्यक्ति कड़े शब्द या गाली देता है, और जो मन में वैर उत्पन्न होता है किसी के प्रति, वो वैर भी दोष मूल चित्त दो के कारण उत्पन्न होता है, जिसका नेतृत्व करता है दोष हेतु। अभी हमने पढ़ा हेतु के बारे में, कारण के बारे में, फॉलोड बाय मोह हेतु। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लोभ और द्वेष के कारण ये रूप निर्माण होता है, लेकिन उसको जो कवर करके रखता है, जो ऊपर से ढक कर रखता है, वो मोह हेतु होता है। मोह होता है, अज्ञानता हमें ढके हुई है, चारों तरफ से ढके हुई है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को मारते हैं, हम प्राणी हिंसा करते हैं, तो प्राणी हिंसा केवल और केवल द्वेष के कारण होती है। जैसे ही द्वेष मूल चित्त जागा, चित्त में द्वेष उत्पन्न हुआ, तो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है। बिना द्वेष के प्राणी हिंसा नहीं मानी जाती। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया है और मैं अभी फिर से देती हूँ कि आप इसको बहुत सूक्ष्मता से समझें। जिस प्रकार एक डॉक्टर है जिसका काम मरीजों का इलाज करना है, यदि कोई मरीज बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टर जानता है कि उसका ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं है, यदि वो उसका ऑपरेशन करेगा तो संभवतः वो मरीज मर भी सकता है, और डॉक्टर उसका इलाज करने जाता है और इलाज के दौरान उस मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ प्राणी हिंसा तो हुई, मृत्यु तो हुई, लेकिन डॉक्टर के मन में कोई भी द्वेष चित्त नहीं जागा था। उसके मन में अच्छा चित्त था, वो मरीज की रक्षा करना चाहता था, लेकिन मरीज मर गया। तो यहाँ पर क्या प्राणी हिंसा माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ प्राणी हिंसा का शील अप्लाई नहीं होता, उसे डॉक्टर को उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चित्त में द्वेष नहीं था। तो इसीलिए जब भी हम प्राणी हिंसा करते हैं,
लेकिन प्राणी हिंसा करते समय यदि हमारे चित्त में द्वेष उत्पन्न होता है तो ही उसे अकुशल कर्म में गिना जाएगा। हम कई बार जब चलते हैं या फिर हम गाड़ी चलाते हैं तो ना जाने हमारे पैर के नीचे कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतु आकर मर जाते हैं। वहां हमारा अकुशल कर्म निर्माण नहीं होता क्योंकि हमारे चित्त में उनके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। तो जब भी प्राणी हिंसा चित्त में द्वेष रखकर की जाए, गुस्से से, घृणा से, नफरत से, क्रोध से की जाए, तो इसका अर्थ है कि वो दोष मूल चित्त दो उत्पन्न हुए, इसकी वजह से प्राणी हिंसा हुई, जिसका नेतृत्व दोष हेतु कर रहा है और उसको पीछे पीछे उसका अनुयायी मोह हेतु है, क्योंकि मोह ने अज्ञानता ने हमें घेर रखा है। अज्ञानता की वजह से ही द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ और द्वेष चित्त उत्पन्न होने के कारण किसी ने प्राणी हिंसा की। इसी प्रकार से हरुष वादा अर्थात कड़े शब्द बोलना या गाली देना, कोई भी व्यक्ति कड़े शब्द या गाली तभी देता है जब उसके चित्त में द्वेष उत्पन्न होता है। तो द्वेष मूल चित्त के कारण ही हम लोग गाली देते हैं या कड़े शब्द बोलते हैं। यदि हमने कभी कड़े शब्द बोल दिए या गाली दे दी और उसके पश्चात हम अपनी सफाई दें कि मेरे मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं था उसके लिए, वो तो बस मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, तो वास्तव में ये झूठ वचन है, सत्य वचन नहीं है। क्योंकि मुंह से गाली या कड़े शब्द तभी निकलते हैं जब चित्त में द्वेष होता है। और व्यापाद अर्थात वैर रखना, किसी से वैर कर लेना, ये भी द्वेष के कारण उत्पन्न होता है। और द्वेष चित्त को नेतृत्व कौन करता है? द्वेष हेतु। द्वेष हेतु का अर्थ है द्वेष चेतसिक। हमने पहले भी पढ़ा था कि चित्त के साथ चेतसिक उत्पन्न होता है, एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। तो द्वेष हेतु अर्थात द्वेष चेतसिक के नेतृत्व करता है, द्वेष मूल चित्त के साथ मिलता है और ये दोनों मिलकर अपने ऊपर मोह का, अज्ञानता का जो अंधेरा छाया हुआ है उसके कारण ये प्राणी हिंसा करते हैं, कड़े शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं और बैर घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, बैर पालते हैं। तो द्वेष के कारण अभी हमने 10 प्रकार के अकुशल कर्म पढ़े थे, 10 में से ये 3 पाणातिपाता, हरुषवादा और व्यापाद, ये 3 ऐसे कर्म हैं जो कि द्वेष चित्त के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात कामे, अभिज्ञा और मिच्छादृष्टि आर कॉज्ड बाय लोभमूल चित्ता 8, लीडिंग बाय लोभा हेतु, फॉलोड बाय मोहा हेतु। कामे, कामे मीन्स कामे सुमिच्छाचारा। व्याभिचार, पर पुरुष पर स्त्री गमन करना। अभिचा अर्थात लोलुपता, लालची स्वभाव। मिच्छादृष्टि अर्थात गलत दृष्टि, सम्यक का बिल्कुल उल्टा, मिथ्या दृष्टि। ये तीनों लोभ के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसका नेतृत्व लोभ हेतु या लोभ चेतसिक करते हैं और ये भी मोह से घिरे हुए होते हैं, इन्हें भी मोह घेर कर रखता है, क्योंकि मोह यानी कि अज्ञानता प्रज्ञा का बिल्कुल उल्टा। तो मोह जब होगा तो अज्ञानता, अज्ञानता के कारण लोभ चित्त और चेतसिक जागे, और जब लोभ चित्त और चेतसिक जागे तो उसके कारण किसी व्यक्ति ने व्याभिचार किया, लोलुपता दिखाई या मिथ्या दृष्टि पाली। तो हम जब काम वासनाओं से घिरे होते हैं, कामे सुमिच्छाचारा, काम वासनाओं से घिरे हैं, व्याभिचार कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल लोभ के कारण उत्पन्न होता है। लालची स्वभाव, किसी भी संपत्ति पर झपटना,
ये हमारा अभिज्ञा वाला व्यवहार जो है वो भी लोभ के कारण उत्पन्न होता है और मिथ्या दृष्टि जो है वो भी लोभ के कारण उत्पन्न होती है। तो अगला है हमारा अदिना, मूसावादा, रिसुनवाचा और संपफलापा। ये जो दूसरा आपकी स्लाइड चेंज नहीं हुई थी ये आप पढ़ सकते हैं, कामे अभिज्ञा और मिच्छा दृष्टि ये लोभ के कारण उत्पन्न होते हैं। अदिना यानी कि चोरी करना, मूसा झूठ बोलना, रिसुनवाचा अर्थात चुगली या निंदा करना और संपफलापा अज्ञानता की बातें करना, ये चारों। अब ये चारों किसके कारण उत्पन्न होते हैं? Sometimes are caused by लोभमूल चित्ता 8 leading by लोभमूल हेतु। कई बार ये लोभ के कारण उत्पन्न होते हैं। Sometimes are caused by दोषमूल चित्ता 2 leading by दोषमूल हेतु। कई बार द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं, द्वेष चित्त के कारण उत्पन्न होते हैं जो जिसमें द्वेष हेतु जो है वो नेतृत्व करता है। तो जो भी चोरी करता है, अब हम इसको अगर साधारण शब्दों में जाने तो जो चोरी करता है तो वास्तव में चोरी जो है वो लोभ के कारण होती है, परंतु हर बार चोरी लोभ के कारण नहीं होती, कई बार चोरी द्वेष के कारण भी होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपने टीवी में देखा होगा, नाटक में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि कई बार यदि कोई हम किसी की संपत्ति को छीनना नहीं चाहते परंतु हम उसे नुकसान जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाए। जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण कि आज आपको किसी अच्छी पार्टी में जाना है और आपने बहुत ही सुंदर वस्त्र आभूषण खरीदे, परंतु आप ही के घर में रहने वाले आपके भाई या कोई महिला, आपकी माताजी या कोई भी आपके परिवार में उसे देखकर खुश नहीं है। अब उसके चित्त में ऐसा जागा कि वो आपका फंक्शन खराब करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने आपकी संपत्ति को चुरा लिया। वो खुद नहीं पहनेंगे, उनके चित्त में लोभ नहीं उत्पन्न हुआ लेकिन द्वेष के कारण, और द्वेष का कौन सा रूप? ईर्ष्या। ईर्ष्या द्वेष का रूप है, तो उन्होंने द्वेष के कारण उस संपत्ति को चुरा लिया ताकि आपको नुकसान पहुंचे। तो जो चोरी की जाती है वो चोरी हमेशा लोभ के कारण नहीं की जाती, कभी कभी चोरी द्वेष के कारण भी होती है। ऐसे ही मूसावादा अर्थात झूठ बोलना, झूठ भी कई बार हम लोग लोभ के कारण बोलते हैं और कई बार द्वेष के कारण बोलते हैं। रिसुनवाचा चुगली या निंदा करना, चुगली दोनों ही कारण से हो सकती है, लोभ से भी उत्पन्न हो सकती है और द्वेष से भी उत्पन्न हो सकती है। संपफलापा अज्ञानता की बातें करना, अज्ञानता की बातें लोभ और द्वेष दोनों से भरी हो सकती हैं, क्योंकि जो भी हम अज्ञानता की बातें कर रहे हैं वो मोह के कारण तो है ही, लेकिन वो बातें जो हम कर रहे हैं वो बातें लोभ वाली भी हो सकती हैं, द्वेष वाली भी हो सकती हैं। यदि लोभ वाली है तो भी वो अज्ञानता से भरी है, द्वेष वाली है तो भी वो अज्ञानता से भरी है। इसीलिए ये जो 10 अकुशल कर्म हैं, पाणातिपाता, अदिन्नादाना, कामेषु मिच्छाचारा, मूसावादा, पिसुनवादा, हरुस्वादा, संपफलापा, अभिचा, व्यापाद, मिच्छादृष्टि, ये 10 अकुशल कर्म हैं। इनमें से पहले 3 काया के अकुशल कर्म हैं, बाद के 4 वचन के अकुशल कर्म हैं और अंतिम 3 मन के अकुशल कर्म हैं, जिसमें से पाणातिपाता, हरुस्वादा और व्यापाद ये तीनों द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं परंतु मोह इन्हें घेरे रखता है। कामेषु मिच्छाचारा, अभिचा और मिच्छादृष्टि ये लोभ के कारण उत्पन्न होते हैं परंतु इन्हें मोह घेरे रखता है। अदिन्नादाना, मूसावादा, पिसुन्नवादा और संपफलापा
ये चारों बहुत बार लोभों के कारण उत्पन्न होते हैं और बहुत बार द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रोवाइडिंग दैट इट मस्ट बी अकंपनीड बाय मोह मूल चित्ता टू फॉलोड बाय मोह हेतु विच इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ लोभा और द्वेषा। तो ये अधिना दाना मूसावादा पिसुनवादा और संपफलापा, ये भी लोभ और द्वेष के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। लोभ और द्वेष दोनों में ही मोह इन्हें घेरे रखता है, अज्ञानता इन्हें घेरे रखती है और ये मोह चेतसिक मोह हेतु इनका नेतृत्व करता रहता है। लोभ मूल चित्ता कॉज अ रिबर्थ एज प्रेता और असुरकाय। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी है, हमने चार प्रकार की अपाया भूमि को जाना था जिसमें अकुशल कर्मों के कारण व्यक्ति का निर्माण होता है, जन्म होता है, अकुशल चित्त के कारण जन्म होता है। तो जो व्यक्ति बहुत लोभी है, बाकी भी अकुशल है उसके अंदर, लेकिन लोभ बहुत ज्यादा है, तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोभ होता है वो प्रेत या असुर, इन दोनों योनि में से किसी एक में जन्म लेता है। दोष मूल चित्ता कॉज अ रिबर्थ एज नरक सत्वा 8 ग्रेट हेल्स विद 448 माइनर हेल्स। जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष बहुत ज्यादा होता है, द्वेष वाला व्यक्ति नरक सत्व के रूप में पुनर्भव उसका उत्पन्न होता है। नरक में जैसा कि भगवान ने बताया 8 प्रकार के महानरक हैं और 448 छोटे छोटे नरक हैं। इसके बाद मोह मूल चित्ता 2 causes a rebirth as tirachana। और जो मोह चित्त जिसमें अज्ञानता बहुत ज्यादा है, मोह बहुत ज्यादा है, वो तिरच्छान सत्व के रूप में उत्पन्न होता है। तिरच्छान का अर्थ है पशु योनि। तो लोभ वाला, सबसे ज्यादा लोभ वाला व्यक्ति प्रेत या असुर के रूप में उत्पन्न होगा, द्वेष वाला व्यक्ति नरक सत्व के रूप में उत्पन्न होगा और मोह वाला व्यक्ति तिरच्छान या पशु योनि के रूप में उत्पन्न होता है। इसको मैंने एक और चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अकुशल कर्म पथ 10 काया कम दुचरित। काया के 3 दुचरित हैं, पाणातिपाता, अदिन्नादाना और कामे सुमिच्छाचारा, जिसमें पाणातिपाता द्वेष के कारण उत्पन्न होता है, अदिन्नादाना लोभ या द्वेष के कारण उत्पन्न होता है और कामेसु मिच्छाचारा लोभ के कारण उत्पन्न होता है। वचन के 4 दुचरित्र कर्म है, मूसावादा, पिसुनवादा, हरुस्वादा और संपफलापा। मूसावादा लोभ चित्त या फिर द्वेष चित्त, दोनों में से किसी एक के कारण उत्पन्न होता है। पिसुनवादा द्वेष चित्त दो के कारण उत्पन्न होता है। हरुस्वादा द्वेष चित्त दो के कारण उत्पन्न होता है। संपफलापा लोभ या द्वेष, दोनों में से किसी एक के कारण उत्पन्न होता है। मन के 3 दुचरित्र कर्म है, अभिचा, व्यापाद और मिच्छादिद्धि। अभिचा लोभ चित्त के कारण उत्पन्न होती है, व्यापाद द्वेष चित्त के कारण उत्पन्न होता है और मिच्छादिद्धि लोभ दिद्धिगता संपयुक्त चित्त 4 के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें दृष्टि जुड़ी हुई होती है अर्थात मिथ्या दृष्टि जुड़ी हुई होती है। इसके पश्चात काया संखार, काया के कौन कौन से संस्कार हैं, काया कर्म दुचरित्र, काया कम सुचरित्र। काया कम दुचरित्र किसके कारण उत्पन्न होते हैं, अकुशल चित्त 12 के कारण उत्पन्न होते हैं, परंतु काया के सुचरित्र कर्म महाकुशल चित्त 8 के कारण उत्पन्न होते हैं। जब काया कर्म दुचरित्र होते हैं जो कि 12 अकुशल चित्त के कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये पाणातिपाता, अदिन्नादाना और कामेसुमिच्छाचारा बनाते हैं। परंतु जब ये सुचरित्र हो जाते हैं, महाकुशल चित्त 8 के कारण सुचरित्र हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, पाणातिपाता विरति अर्थात वेरमणि या विरति अर्थात प्राणी हिंसा से विरत हो गया, क्योंकि अब काया कर्म सुचरित्र हो गया। अदिन्नादाना विरति
कामे समीक्षाचारा विरति। अब इन तीनों से विरति हो गई, यानी कि वैर हो गया। अपना प्राणी हिंसा से लगाव रहा, उससे वैर हो गया, चोरी से भी वैर हो गया और व्याभिचार से भी वैर उत्पन्न हो गया। बीच में आपको एक दिख रहा है असास पसास। असास पसास का अर्थ है आनापान, जिसे हम रेगुलर यूज करते हैं। विपस्य साधक जो भी है वो आनापान सति बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, परंतु जिसके काया के कर्म दुचरित्र हैं, अकुशल चित्त 12 के कारण वो हमेशा पाणातिपाता अधिनादाना और कामे सुमिच्छाचारा करता है, तो वो कभी भी, एक क्रॉस आपको दिख रहा है, इसका अर्थ है कि वो आनापान सति नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। परंतु जो पाणातिपाता से विरत है, अधिनादाना से विरत है, कामे सुमिच्छाचारा से विरत है, वो आनापान सति का अभ्यास करने में सक्षम होगा। इसके पश्चात इसी प्रकार से वचन संस्कार, वचन के संस्कार। वचन के दुचरित्र 4 हैं, जो कि अकुशल चित्त 12 के कारण उत्पन्न होते हैं। वचन के सुचरित्र कर्म 4 हैं, जो कि महाकुशल चित्त 8 के कारण उत्पन्न होते हैं। वचन के सुचरित्र जो है, मूसावादा विरति हो जाएगा, पिसुन्नवाचा विरति, परुसवाचा विरति और संभपलापा विरति, यानी कि झूठ बोलने से अब वैर होगा, चुगली या निंदा करने से वैर हो गया, कड़े शब्द या गाली देने से वैर हो गया, अज्ञानता की बातें करने से वैर हो गया। और जो व्यक्ति वचन के कर्मों को सुचरित्र बना लेता है, वो व्यक्ति बुद्ध वचन को ठीक से ग्रहण कर पाता है। भगवान बुद्ध के जो वचन है वो वितर्क का विचार है, अर्थात वितर्क और विचार वाले। तो वितर्क और विचार वाले भगवान बुद्ध के वचन को केवल वही समझ सकता है जिसने अपने वचन के कर्मों को भी सुचरित्र कर लिया हो। यदि आपके वचन के कर्म दुचरित्र हैं, तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि आप भगवान बुद्ध के वचन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके पश्चात मनोसंस्कार, मन के संस्कार। मन के 3 अकुशल कर्म हैं मनोदुचरित्र 3 और 3 कुशल कर्म है मनो सुचरित्र 3। ये अकुशल चित्त 12 के कारण उत्पन्न होते हैं और ये मन के जो सुचरित्र कर्म है वो महाकुशल चित्त 8, रूपा वचरा महाकुशल चित्त 5 और अरूपा वचरा महाकुशल चित्त 4, इनके कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें हमने अभी जाना अभिज्ञा, व्यापाद और मिच्छादिट्ठि, इनका बिल्कुल विपरीत अभिज्ञा का हो जाएगा अनाभिज्ञा, यानी कि बिना लोभ के। व्यापाद का हो जाएगा अव्यापाद, यानी कि बिना द्वेष के। मिच्छा दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि में बदल जाएगी, सम्मा दृष्टि में बदल जाएगी। तो ये हमारे मन के कर्म सुचरित्र हो जाते। ये आप सभी ने जान ही लिया है। अकुशल कर्म पथ 10, ऑल द अकुशल कर्म पथ 10 इज कवर्ड बाय मोहा 2। जैसा कि हमने पिछले में भी जाना कि अकुशल कितना भी हो, लोभ हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे मोह घेरे रखता है। मोह चित्त 2 बहुत पावरफुल है, वो लोभ को भी घेरे रखता है और द्वेष को भी घेर कर रखता है। मोह चित्त 2 विचिकिच्छा और उद्धच्च, विचिकिच्छा विचिकिच्छा चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है, जिसे कंकति 8 कहते हैं, और उद्धच्च मोच तुक चेतसिक के कारण उत्पन्न होता है, जिसे अज्ञानं 8 कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। विचिकिच्छा अर्थात शंकाएं और उद्धच्च अर्थात मन की बेचैनी, ये दोनों मोह अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात मोह चित्त 2 के कारण उत्पन्न होती है। और यही मोहचित्त इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वो लोभ को भी घेर कर रखता है और द्वेष को भी घेर कर रखता है। मोहचित्त 2 कैन बी कंट्रोल बाय याना विपयुक्त चित्त 4 विच हैज नो पय्या बट इट हैज समादिट्ठि फ्रॉम मनोकम्मा इन पुण्य क्रियावत 10। जब हम महाकुशल चित्त 8 का संगायन करेंगे, तो महाकुशल चित्त 8 में 4 चित्त हमारे ज्ञान विपयुक्त चित्त है,
यदि हमारे अंदर ज्ञान विपयुक्त चित्त चार महाकुशल उत्पन्न होते हैं तो हम मोह चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रज्ञा तो नहीं होती परंतु इन चित्त में सम्यक दृष्टि जरूर होती है और इसी सम्यक दृष्टि से हम मोह चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि मोह चित्त कंट्रोल होगा तो उसके अंदर रहने वाला लोभ और द्वेष भी कंट्रोल हो जाएगा। और समाधि आती कहाँ से है? पुण्य क्रिया वत्व में जितने भी मन के कर्म हैं वहां से सम्यक दृष्टि आती है। ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल हो गया होगा, परंतु जब हम पुण्य क्रिया वत्व 10 को अच्छे से पढ़ लेंगे, साथ ही साथ महाकुशल चित्त 8 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो 2 लाइन है इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। आपको केवल इसमें इतना समझना है कि जो हमारे मोह चित्त 2 हैं, विचिकिच्छा और उद्धच्च, इन दोनों चित्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं, महाकुशल चित्त 4 कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे हम कंट्रोल करने का प्रयास करें। यहाँ आते आते अकुशल से हमने शुरू किया था, अकुशल से आते आते हम कुशल पर आ गए हैं। अकुशल 10 कर्म थे, उसको हमने कुशल बनाने का पूरा प्रोसेस जान लिया है। काया के 3 दुचरित्र को काया के 3 सुचरित्र कर्म में पाणातिपाता विरति, अधिनादाना विरति और कामेसु मिच्छाचारा विरति। वची कर्म सुचरित्र 4 हैं, वचन के 4 सुचरित्र कर्म, मूसावादा विरति, पिसुनवाचा विरति, हरुस्वाचा विरति और संपफलापा विरति। और मन के 3 सुचरित्र कर्म, अनाभिचा, अभयापादा और समाधि। ये 10 कुशल कर्म हम लोग बना सकते हैं यदि हम पुण्य क्रिया वत्तु 10 को फॉलो करते हैं, 10 पुण्य कर्म करने का प्रयास करते हैं तो हम उन अकुशल को कुशल बना सकते हैं, दुचरित्र को सुचरित्र बना सकते हैं। पुण्य क्रिया वत्तु के विषय में हम अगली कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। साधु साधु। अब मैं अय्या जी से याचना करती हूँ कि हम सभी को भगवान बुद्ध के आशीर्वचनों से अनुकंपित कर इस सत्र का समापन करें। साधु साधु साधु। आप सभी को आज के धर्म सत्र में उपस्थित होने हेतु और इस धर्म देशना को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और अनंत मंगल कामनाएं देती हूँ कि आप इसी प्रकार से निरंतर धर्म का श्रवण करते रहें, अपने अकुशल कर्मों को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहें, धीरे धीरे अकुशल को कुशल में परिवर्तित करने का प्रयास करें। हम यहाँ अपने धर्म देशनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि अभिधम्मा, जिसे अभी तक बहुत कठिन विषय समझा जाता था, उसे किस प्रकार से सरल बनाया जाए और साथ ही साथ में उसे दिन प्रतिदिन में किस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप अभिधम्मा का प्रयोग करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में कुशलता संपन्नता लाने का प्रयास करें। और मैं आशा करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस धर्मदेशना से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और अपने कर्मों के प्रति और अधिक जागरूक होकर अपने अकुशल को नियंत्रित करने का और कुशल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। साथ ही साथ भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो गहन शिक्षा है, उसे आप थ्योरी जानने का प्रयास कर रहे हैं और फिर इसे आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी ध्यान साधना का स्तर है उसमें ये जरूर आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होगी, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। और सभी का महाकुशल चित्त की जागृति हो, प्रज्ञा की जागृति हो, लोभ द्वेष मोह का अंधकार धीरे धीरे नष्ट होता जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ।
सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुतं असंकारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुतं ससंकारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुतं असंहारिकं कामावचर महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुतं ससंहारिकं कामावचर महाकुशलचित्तं साधु साधु साधु।